मौसम के करवट बदलने का असर ताजमहल पर भी देखने को मिल रहा है। हाल ही के दिनों में लगातार हो रही बारिश और ठंड के चलते ताजमहल देखने आने वाले पर्यटकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मौसम के करवट बदलने का असर ताजमहल पर भी देखने को मिल रहा है। हाल ही के दिनों में लगातार हो रही बारिश और ठंड के चलते ताजमहल देखने आने वाले पर्यटकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से पर्यटकों को जहां एक ओर असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर कई सारी बीमारियां भी उनको अपनी चपेट में ले रही हैं। ताजमहल पर्यटन सुविधा केंद्र पर स्थित स्वास्थ्य जांच कक्ष में कई पर्यटक इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों के अनुसार मौसम के बदलाव के कारण सर्दी और बुखार की शिकायतें बढ़ गई हैं। पर्यटकों को यहां प्राथमिक चिकित्सा और दवाइयां प्रदान की जा रही हैं ताकि उनकी स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान किया जा सके। आज टोटल 10 पेशेंट आ गए, 10 पेशेंट आ गए, उनमें से ज़्यादातर फीवर के पेशेंट थे और डायरिया वोमिटिंग वगैरह पेशेंट थे, तो सभी को ट्रीटमेंट दे दिया और एक पेशेंट है उसको शांति मार्ग हॉस्पिटल रेफर कर दिया है। हाँ, उसको चक्कर आ रहे थे, बीपी कम था, हाइपोटेंशन में था, तो इस वजह से उसको रेफ़र कर दिया, तो शांति मार्ग उसको भी रेफ़र करके आया। सुबह से अब तो 10 मरीज आ चुके, ज़्यादातर फीवर के पेशेंट हैं। क्या वजह है इसमें? ये मौसम चेंज हो रहा ना, इसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। अब ये टाइम ही है, इन्फेक्शन वाला ज़्यादा टाइम है, तो इस वजह से पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। बारिश के कारण ताजमहल के आसपास की सड़कें पानी से भरी हुई हैं, जिससे पर्यटकों को यहां आने जाने में कठिनाई भी हो रही है। ताजमहल प्रबंधन ने पर्यटकों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। सी न्यूज़ के लिए गोपाल शर्मा की रिपोर्ट।